हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको थ्रेडिंग करने के लिए आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए थ्रेडिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर एक वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस पर मैं आपको ब्यूटीशियन से संबंधित हर एक जानकारी दूँगी, जिसे कि आप घर बैठे ब्यूटीशियन का कोर्स कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रीन कलर ऑर्गेनिक कॉटन धागा होना चाहिए। 40 नंबर धागा होता है ये, आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए का मिल जाएगा। ग्रीन कलर डिब्बी में आता है और एक कॉटन का होता है, जो कि थ्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा धागा होता है। तो थ्रेडिंग के लिए आता है और एक ग्रीन कलर का ही आता है। ये थ्रेडिंग के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये मोटा धागा होता है और इससे जो बाल होते हैं एक बार में ही निकल आते हैं, और इससे आपको दर्द भी नहीं होता है और कट अगर लगेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इस धागे का यूज़ करना चाहिए थ्रेडिंग करने के लिए। इस धागे का नाम है ऑर्गेनिक कॉटन धागा, ग्रीन कलर, 40 नंबर। तो पहली चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो है थ्रेडिंग धागा। उसके बाद आपके पास एक आईब्रो ब्रश होना चाहिए, जिससे कि आप थ्रेडिंग करेंगी उससे पहले आपको इस ब्रश से थ्रेडिंग के जो बाल हैं उसको आप सही करेंगी। और उसके बाद आपके पास एक छोटी कैंची होनी चाहिए, जिससे कि आप थ्रेडिंग के जो लंबे बाल होते हैं उनको आपको कैंची से कट करना होता है। तो उसके लिए आपके पास एक आईब्रो ब्रश और एक छोटी कैंची होनी चाहिए, और फिर आपके पास एक आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए। जैसे कि आप बिगनर्स हैं और आप शुरुआत कर रही हैं थ्रेडिंग की, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना कैसे सेप थ्रेडिंग का रखना है, कहाँ के हेयर निकालने हैं कहाँ के नहीं निकालने हैं। तो उसके लिए आपके पास एक पेंसिल होना ज़रूरी है, जिससे कि आप थ्रेडिंग करने से पहले आपको थ्रेडिंग का सेप बना लेना है, उसके हिसाब से आपको करना है। इसलिए आपके पास एक आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए, और फिर आपके पास एक प्लकर होना चाहिए। प्लकर का क्या काम है, जैसे कि जब आप थ्रेडिंग करती हैं कॉटन धागा से बाल निकालती हैं, कभी कभी धागे में बाल नहीं फंसते हैं, तो उसके लिए आपको इस प्लकर का यूज़ करना होता है। इस प्लकर से जो धागे से बाल नहीं निकलते हैं तो आप इससे निकाल सकती हैं, इसलिए आपके पास एक प्लकर होना चाहिए। और थ्रेडिंग करने के लिए आपके पास पाउडर होना चाहिए, कोई भी पाउडर आप ले सकती हैं, जो कि थ्रेडिंग करने से पहले आपको थ्रेडिंग पे पाउडर लगाना होता है, उसके बाद थ्रेडिंग करनी होती है। तो एक पाउडर होना चाहिए, पाउडर और कॉटन से आपको लगाना है। और आपके पास इस तरीके का एक ब्रश होना चाहिए, जैसे कि जब आप थ्रेडिंग करती हैं जो बाल धागे से निकलते हैं वो चेहरे पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इससे आपको ऐसे ऐसे कर देना है तो चेहरे से बाल हट जाएंगे। तो ये ब्रश आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपको हाथ से नहीं साफ़ करना होगा, आप इस ब्रश से साफ़ कर सकती हैं थ्रेडिंग के बाद। और सबसे लास्ट में आपके पास होना चाहिए एस्ट्रोजन लोशन, क्योंकि थ्रेडिंग करने के बाद आपको इसे थ्रेडिंग पे लगाना होता है, मसाज करना होता है। जैसे आप फोरहेड कर रही हैं, अपर लिप कर रही हैं, तो जब हमारी आईब्रो पे धागा चलता है तो वहाँ पर बाल जो निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्किन पे रेडनेस आ जाती है, किसी किसी के दाने निकल आते हैं, किसी किसी को जलन होने लगती है। तो इसका जब हम यूज़ करते हैं बाद में तो रेडनेस जो होती है, जो जलन होती है और जो दाने निकलते हैं तो इससे सही हो जाते हैं। इसीलिए एस्ट्रोजन लोशन का थ्रेडिंग करने के बाद यूज़ करना चाहिए। थ्रेडिंग करने के बाद आपको इसे थ्रेडिंग पे 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करना चाहिए, इससे बहुत ही रिलैक्स मिलता है और जो भी आपको स्किन पे रेडनेस या दाने वगैरह हो गए हैं तो उससे छुटकारा मिलता है। तो आपके पास एक एस्ट्रोजन लोशन होना चाहिए, और अगर आपके पास एस्ट्रोजन लोशन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए थ्रेडिंग करने के लिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।